नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ जीके के 30 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद आंसर बता दिया जाएगा। ये जो क्वेश्चन है मैंने आपके ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पिकअप किए हैं, जो भी 2019 में हुए हैं। इस वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पिकअप किए हैं, जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए। और इसी के साथ वीडियो करते हैं शुरू। हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 15 नवंबर 2000। और हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना था? यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 28वां राज्य। और हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भीम ऐप में कितनी भाषाएं उपलब्ध हैं? यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 20। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भीम ऐप को कब लॉन्च किया गया था? यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 30 दिसंबर 2016। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल ग्रेट्स। और हमारा अगला क्वेश्चन है, गमतीहा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और हमारा अगला क्वेश्चन है, 2019 में किस राज्य ने मधु ऐप लॉन्च किया है? यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया था? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 326 ईसा पूर्व। और हमारा अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हवा की गति के लिए। और हमारा अगला क्वेश्चन है, अटाकामा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चिली में। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पारसनाथ स्वामी। और हमारा अगला क्वेश्चन है, फैजाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्लाह। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? यहाँ भी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1939 में। और हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एशिया। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी की मृत्यु कब हुई थी? यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1991 में। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाइबल। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी क्या है? यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इम्फाल। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे मिलियन हाथियों की भूमि कहा जाता है? यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लाओस। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 26 नवंबर को। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक किसे कहा जाता है?
यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, JRD टाटा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, 1905 में। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? इसका भी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टेबल टेनिस। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पुलिकट झील। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और हमारा अगला क्वेश्चन है, तंजानिया की राजधानी क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डोडोमा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, खजुहारो मंदिर भारतीय किस राज्य में स्थित है? यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और हमारा अगला क्वेश्चन है, डफला जनजाति भारतीय किस राज्य में पाई जाती है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 11 अक्टूबर को। और हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन हैं? यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सत्य नडेला। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों इस वीडियो से रिलेटेड, या किसी क्वेश्चन का आपको समझ में नहीं आया हो आंसर, तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में जाएं, जो भी आपकी समस्या हो या किसी क्वेश्चन के आंसर या किसी और चीज़ का आंसर आपको पूछना हो, तो आप सीधा कमेंट में अपने कमेंट छोड़ सकते हैं, हम आने वाली वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक एक शेयर जरूर करें अपने मित्रों में। और इसी के साथ, जय हिंद, जय भारत।